पापा? हेलो, हाँ पापा, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा आप शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए, एक गहरी सी सांस लीजिए। हाँ अब मुझे बताइए क्या हुआ है। तेरा क्रियाकर्म करने, लेकिन तेरा लाइफलाइन इतना सॉलिड है कि हर बार तू बची जाती है। आवाज आ रही है मेरी, आप सुन सकती है मुझे? आपकी आवाज सुन रही? मेरा प्लान पता चल गया था ना आपको? उसको फेल करने के लिए आपने ये खबरी बनकर पुलिस को फोन किया ना, और मेरा पीछा कर रही थी। आपने सोचा होगा इसके प्लान को कीचड़ में मिला देते, मगर कीचड़ नहीं आपकी वाट लगा दे, मतलब गिर गई ना। अब शेर के साथ सवा शेरी करने का अंजाम ऐसा ही होता है माई। हाँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास लेके चलूंगी। आइए चलो, उठिए उठिए उठ जाइए। तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अगली शादी में तुम्हारे सामने रहूंगी, तो अब किधर चली गई? तनक प्लीज आ जा, रोक दे ये शादी। यजमान वधू को बुलाइए। हाँ वो तनक आती होगी। अब वो मेरा मतलब है कि वो माया आती होगी, वो जुबान ट्विस्ट हो गया। इधर आओ। क्या हुआ भाई? किधर है सब लोग? क्या हुआ? माया, माई, तनक किधर है? वो तेरे को सब काम पे लगा के ना, खुद सब ने कल्टी मार ली। हाँ सही है भाई, देख ना, सुन भाई नंबर एक गायब, सुन भाई नंबर दो भी गायब, और सासू भाई भी गायब। ये भी सही है भाई, वो तीनों औरतें जो तेरा शादी रचाने को थी, उन तीनों ने तेरे को यहाँ अकेला छोड़ दिया, और नवरा खुद बकरा बन के मंडप पे बैठा है कुर्बान होने को। सिजल, तेरी बहन किधर है? दो मिनट दीजिए, मुझे चेक करने दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। अरे दो मिनट दीजिए, मुझे चेक करने दीजिए, बस ठीक हो जाएंगी, बस। डॉक्टर साहब, देखिए आपकी सासू माँ बिल्कुल ठीक हैं, कोई चिंता की बात नहीं। वो बोल क्यों नहीं पा रही है? दिस इज अ टेम्परेरी फेस, उनके गर्दन और सिर के बीच में जो गैप है ना, वहाँ पे आघात हुआ है, आई थिंक उसकी वजह से वहाँ की कोई नस दब गई है, ब्लड फ्लो को इफेक्ट हुआ है, लेकिन आप परेशान मत होइए, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मतलब उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप रख लीजिए, एक दिन दो दिन तीन दिन जितने दिन चाहिए ना, आप उनको रख लीजिए, बस मेरी माई को जल्दी से ठीक कर दीजिए। अरे ये गुजरातन क्या बक रही है? अरे आप समझ नहीं रही हैं। नहीं समझ रहे, उनकी आवाज ना हमारे लिए बहुत ही पुरानों से कम नहीं है। डॉक्टर साहब देख रहे कैसी छटपट आ रही है। ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक तो हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज डॉक्टर साहब, उसे तो देखा भी नहीं जा रहा है। हाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मैं, और ये ACP की सास है। अगर आपने इन्हें जल्दी से ठीक नहीं किया ना, तो याद रखिएगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ देखिए, कह रही है इंजेक्शन लगाओ मुझे। नर्स इंजेक्शन लेके आओ। अरे एक क्या दो तीन लगा दीजिए भाई, आपको चैन की नींद आ जाएगी। आओ लेके जाइए, लेके जाइए जल्दी। हाँ लेके जाओ, बिल्कुल बहुत जरूरत है। हाँ चलिए चलिए चलिए, आइए माई इधर आइए। हाँ आइए, तो बैठ जाइए माई, बैठ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक है पापा? कहाँ चले गए? धनक बिटिया का फोन भी नहीं आ रहा है, कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गई? अब इन्हें की टेंशन मत लीजिए पापा, वो सुपर लेडी है, कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगी, हमें बस कैसे भी माया को रोकना होगा। हाँ बेटा, मुहूर्त से पहले
माया किसी भी तरह चौल में नहीं पहुंचनी चाहिए। बेटा एक आइडिया आया, चल। असलम। हाँ चल। किधर? माया माई को ढूंढ के आते हैं, बाकी तू इधर ही चल। ये मेहमान को देख रहा हूँ, चल चल। किधर? आगे तू? क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊंगी? वो अपन माई माया को ढूंढ के आता है। तू उधर से कहाँ जा रहा है? इधर। अरे नहीं, वो अपन को लगा था कि तो उनकी शादी किसी और से होते हुए देख नहीं सकती, तो मैंने कहा ना रखो, मैंने अपना मन बना लिया है। इतना आसान है क्या? नहीं है, लेकिन तुम भी तो वही कर रहे हो ना। ए, बस करना भाई, काय को कर रही है ये सब, काय को टॉर्चर कर रही है खुद को, अपन को छोड़ना। तुम अपने दिल की सुन लो, सब सही हो जाएगा। नहीं सुन सकता, अपन मजबूर है। क्यों, क्या मजबूरी है? प्लीज रखो वचन की बात मत करना। जिस वचन से तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उस वचन का सही वक्त पर टूट जाना ही बेहतर है। छोड़ना, तू नहीं समझेगी। अगर अपन की जगह होती ना तो शायद। ले चलो मुझे, खड़ा करो, अपनी जगह पर रखो। बताओ मुझे, समझा? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या होगा हमारा भविष्य, कैसे जिएंगे हम एक दूसरे के बिना? आज के बाद क्या कभी हक से याद कर पाओगे मुझे, किसी एक पल, किसी एक दिन? रखो, हम जिंदगी में समझौते करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी जिंदगी समझौतों की नहीं होती। फिर तुम क्यों अपनी फीलिंग्स के साथ? बताओ मुझे, रखो प्लीज, किसी एक सवाल का तो जवाब दो। अपन माया और माई को ढूंढ के आते हैं। रखो, तुम भले ही कुछ ना कहो, मुझे अपना जवाब मिल गया और अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। दोनों एक नंबर की चोटी हैं साहब। मेरी बेटी का ज्वेलरी का बैग छीनकर भाग गई है, अब दो दिन बाद इसकी शादी है, अगर वो गहने ना मिले तो। आप घबराइए मत, आपके गहने मिल जाएंगे, लेकिन आप बता सकते हैं कि वो दोनों गए किस तरफ? वो उधर मार्केट एरिया में। चाइला, ये बुड़ो दिखने का सीधा है लेकिन एक नंबर का शाना है। खाना? अरे बेवजह वो खाकी को अपने पीछे भेज दिया। चल चल चल। ये बाप बेटी को ना छोड़ेगी नहीं, मैं कूट कूट के सीमा बना रही हूँ दोनों का। अरे माई, भगवान के नाम पे दे दे, दो दिन से कुछ नहीं खाया माई। अरे मालिक के नाम पे दे दे कुछ। दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के। किधर से आई रे ये अपुन का इलाका? चल निकल। छोड़, चुप रह, मुंह बंद रख वरना से मुक्का मारेगी ना, भीख मांगने के लायक भी नहीं बचेगा। अपुन का इधर गेस्ट अपीयरेंस है, समझ में? ये खाकी इधर से जाएगी फिर अपन भी गुल, समझा? छुट्टी पे गया है घर बाबा, जिंदगी भर दुनिया को दौड़ाया, अब तू हमें दौड़ा रहा है। माया, तू दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो शादी के दिन भीख मांग रही है। अरे भीख तो अभी उस गुजरातन से मंगाएगी मैं।
तूने खेल ली ना तेरी बाजी। अब तेरा गेम तो मैं फिक्स करेगी एकदम अच्छे से। अरे जजमान, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, वधू कहाँ है? अरे क्या मालूम पंडित जी, अपन खुद परेशान हो गया है, दोबारा फोन करके देखते हैं। जीजू, ओ सॉरी, मैं कह रही थी कि आपको फोन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी दुल्हन आ गई है, देखिए। अब वर वधू बैठ जाइए, विवाह विधि शुरू करते हैं। पंडित जी, वो माई के आने तक रुक सकते हैं क्या? अरे अरे भाई, वो माई का फोन आया था, वो अंबे माई के मंदिर गई है, बोली देरी होगी उसको आने में। उसने बोला मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए तो जल्दी जल्दी सारा कार्यक्रम शुरू करने का। ए पंडित, ABCD शुरू कर चल। लेकिन असलम माई के बिना? अरे भाई, माई ने अपन को खुद बोला था, अपन पे भरोसा नहीं है तेरे को, चल ना शुरू कर। पंडित शुरू कर। ए बप्पा, धनक के बीजे मेरे पैर मार, उसको बता दे वचन से मैं बंधा हूं, वो ये शादी रोक क्यों मेरी? शादी रोक इसलिए नहीं रही क्योंकि अब ना शादी रोकने की जरूरत है और तुम्हें ये बताकर ना तुम्हारा वचन तोड़ने की। वरमाला की रस्म शुरू करते हैं, आइए खड़े हो जाइए। वधू अभी वर को वरमाला पहनाएगी। अब वर वधू को वरमाला पहनाएगा। मेरी सांस तुझ पर अधूरी लगे है, जरा दूर तू जो रहे, तेरी आंखें मुझसे सब कह रही है जो होठों से तू ना कहे, बात मेरी तेरे साथ आज हो। अब वर और वधू बैठ जाइए, आगे की विधि शुरू करते हैं। क्या कह रही है भाई? तू ही तो अपन की शादी कराना चाहती थी। हाँ सही बोला तू, मेरे को खुश नहीं था तेरा शादी कराने की, मगर माया के साथ।
महिला तू इधर क्या कर रही है? तू इधर क्या कर रही है? ए रघु, फालतू का नाटक बनकर अपना थोबड़ा देख, अपना थोबड़ा देख आईने में, कैसा गुलाबी हो गया है। अरे इस चेहरे को देख के बच्चा भी बोल सकता है, खाकी को तेरी बगल में खड़ा देख के तू बहुत खुश है। पप्पा शपथ माई, अब उनको नहीं पता इधर कैसे आई। अब उन उधर माया के साथ शादी करने के लिए बैठा था। ए, तू क्या हंस रही है? ये सब इस लोमड़ी का प्लान है। मेरे नाक के नीचे मेरे बेटे को उड़ा के लेके जाना चाहती थी। हाँ, तू जानती नहीं है मेरे को। सावित्री दादा वे मैं, मेरे पीठ पे भी तो आंखें समझी ना। तेरे प्लान की तो माई माई रखो, छोड़ उसको। अरे छोड़ उसको, चल। अरे क्या कर रही है सब? मैं सिखाती है सावित्री माई क्या चीज है। मुझे माफ कर देना सावित्री माई, आज का दिन मेरी बेटी का है और वो हक मैं आपको छीनने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरी जात का, चल निकल यहां से, हट, चल। भाभी की तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना, अपन भूल जाएगा तेरे को इतने सालों से जानता है, यही लाश बिछाएगा तेरी, समझी? असलम येड़ा हो गया है क्या? छोड़ मेरे को असलम। भाभी प्लान सी। धनक बेटा भाग, हाथ लाओ अपना। कर गई ये तू, चलो भागो। भाग बेटा भाग, भाग। चीजो जल्दी भागिए। भाग बेटा भाग, भाग जा 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 भाग, भाग 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 भाई जल्दी 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 से बैठो, रुक जाओ दादा। कह रही हूँ बैठ जा, और कोई रास्ता नहीं है, माया से शादी तो हो नहीं सकती ना तुम्हारी, चलो जल्दी करो नहीं तो दोनों मरेंगे। मरना है? नहीं ना, प्लीज बैठ जाओ रघु, प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज बैठ जाओ, चलो भाग चलते। रघु जा बेटा भाग। नहीं रघु, रघु नहीं, रघु चलो भाग चलो, रघु तो नहीं जा सकता मेरे को छोड़ के। भागो रघु, भागो रघु, रघु प्लीज बैठ जाओ, देखो सब कह रहे हैं मेरा भाग। भाग भाई भाई भाग, भाग जा भाई, रघु बैठ जाओ, चल भगा ले मेरे को। नहीं रघु, रघु भाग दादा भाग, भाग रुक जाओ, भाग गए मेरी दिकरी। एक नंबर की हठीली है तू, पुलिस वाली गुंडी। हाँ।
जो बोलना है बोल ले, अपन जैसी भी है अब तेरी है। अपन को लगा था अपन जैसा येड़ा कोई नहीं, पर तू तो अपन की भी बाप निकली। और क्या, तुम भी वाले के डॉन की बाइक हो, उसको लेके कट ली। वहां सब कैसे पागल हो रहे होंगे ना, माई तो गुस्से से एकदम लाल हो गई होंगी। तेरे को क्या लगा गेम खलास हो गया? जब तक अपुन की जीत नहीं होती ना, गेम खत्म नहीं होता, सबको सजा मिलेगी। माई प्लीज रुक जाइए, ऐसे मत करिए। पापा, माई छोड़िए पापा को। नहीं माई, माई इन पे गोली मत चला, तू इनकी आरती उठाएगी ना तो ये लोग भी अपना जनाजा उठाएंगे। माई माई ये खाकी लोग बहुत बुरे होते हैं, माई सुनना मेरी बात। माई अरे खाकी की ऐसी की तैसी, और तुम्हें इसका गेम बजा के रहेगी। छोड़ दे मेरी बात सुन। अरे माई इनका क्या कसूर है? अरे माई छोड़ देना, जाने दे। इसमें तो माई मेरी भी खाली है, ये इसमें तो गोली नहीं है। दांत काय को निकाल रहा है तू? दांत काय को निकाल रहा है तू? वो इतने महीनों से मैंने हंसी की शक्ल नहीं देखी थी ना, आपका चेहरा देखा तो हंसी आ गई मुझे, इसलिए दांत निकाल रहा है तू? बहुत हंसी आ रही तेरे को आज। देख सजा तो तेरे को मिलेगी, सीधी नहीं तो उल्टी सही। एक बात बोलो रखो, मेरी जान निकल गई थी ये सोचकर कि कोई और तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मेरा दिल एकदम बेचैन सा हो गया था, मैं इसके लिए क्राइम कर डाला तूने? अरे क्राइम की तो ए! क्या बोल रही है? अरे अपन तेरी बाइक है, थोड़ा तो असर होगा ना यार। वैसे एक बात बोलूं, अपन ना उठते बैठते पापा से सिर्फ एक ही चीज मांग रहा था कि कहीं से अपन की सोन बाबड़ी को बुला ले और अपन को इस शादी से बचा ले। क्या क्या कहा तुमने? किसको भेजते? तेरे को? नहीं नहीं तेरे को नहीं, तुमने पापा से क्या कहा कि किसको भेज दे, किसको बुला दे? अरे तेरे को समझ नहीं आ रहा है, अपन वही तो बोला। अब क्या बोला था अपन, क्या बोला? हाँ अपन बोला था कि सोन बाबड़ी को बुला ले। कान तरस गए थे मेरे तुम्हारे मुंह से सोन पापड़ी सुनने के लिए, और अपन बोलने के लिए तरस गया था I love you सोन पापड़ी, I love you, I love you too रखो, I love you so much। कब से चाह रहे थे ना तुम कि तलाक के पेपर्स पे साइन कर दूं मैं? अरे पर वो डिवोर्स का कागज। ये तलाक के कागज है ना? हाँ ये उसने खुद ही ने तो सही करके दिए ना, कानूनन तो वैसे भी वो अभी रघु की बाई को है ही नहीं। ज्यादा नाटक करेंगे ना तो सीधा कोर्ट में मरेगी। हाँ ये कागज तो उसने, वो दरअसल डिवोर्स के पेपर्स तो मैंने साइन ही नहीं किए थे। क्या? अरे पर वो दिन क्या घमंड से दी थी तो अपन को वो कागज? वो सब नाटक था, दरअसल माई और बाकी सबको यकीन दिलाना था ताकि मैं आराम से अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकूं। वो
प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की आदत नहीं है ना मुझे, तो इसीलिए। लेकिन मैंने सोचा जॉन को बचाने के लिए तो ये सब कर सकती हूँ मैं। क्या हुआ, पसंद नहीं आया मेरा प्लान? अरे अभी सबसे कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। आप उन माई को वचन दे चुके और वचन अपन तोड़ नहीं सकता। अपन का बेटा है वो, अपनी माई को दिया हुआ वचन वो ऐसे नहीं तोड़ेगा। अरे माई, आग के पास में घी रखा हुआ चुटकी में पिघल जाएगा। ए माया! कुछ भी बोलने का, मगर मेरे और रघु के रिश्ते पे कभी डाउट नहीं खाने का। चल निकल यहाँ से, निकल, मेरा दिमाग मत खा। सकू इसको लेके जा, लेके जा अभी। हाँ माई, तू शांत रह। चल चल बाबा चल। रघु दनक का नौराबाद में है, पहले मेरा बेटा है, मेरे आशीर्वाद के बिना वो उसको कभी नहीं अपनाएगा, कभी नहीं अपनाएगा। माई का आशीर्वाद बहुत मैटर करता है अपन के लिए, तू तो जानती है ना। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रखो, मेरे लिए भी माई का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। चल वापस चलते हैं, अभी इसी वक्त माई से बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा देखते ना, संभाल लेंगे हम लोग, क्या बोलती है? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। हाँ बोलना। माई से मैं बात करूंगी अकेले।